जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल UPRTOU प्रयागराज में स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, यदि आप UPRTOU प्रयागराज में साथियों आप MA करना चाहते हैं, यानी MA से साथियों आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वे कौन कौन से सब्जेक्ट आपके अवेलेबल हैं, कौन कौन यानी किस किस सब्जेक्ट साथियों आप एडमिशन ले सकते हैं इसके बारे में, और किस प्रकार से आप एडमिशन ले सकते हैं इसके बारे में साथियों पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको अपने इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आप सभी सवालों के जवाब प्राप्त करना चाहते हैं, पूरी जानकारी आप जानना चाहते साथियों, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए साथियों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम UPRTOU प्रयागराज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नए नए अपडेट, नई नई जानकारी आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, हम आपको बता दें कि यदि आप UPRTOU प्रयागराज यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो दो तरीका है साथियों एडमिशन लेने का UPRTOU प्रयागराज यूनिवर्सिटी से। तो MA से एडमिशन लेने के लिए साथियों, सबसे पहला तरीका है कि आप अपने नज़दीकी किसी भी, ठीक है, आप अपने नज़दीकी किसी भी HD सेंटर से साथियों आप जाके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। पहला तरीका है आपका कि यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके नज़दीक में यदि कोई भी HD सेंटर साथियों संचालित है, चल रहा है, तो आप अपने नज़दीकी HD सेंटर से जाके वहाँ से संपर्क करके साथियों आप MA में एडमिशन ले सकते हैं। चाहे आप MA हिस्ट्री सब्जेक्ट से, MA हिंदी सब्जेक्ट से, MA हिस्ट्री सब्जेक्ट से, इसके अलावा MA संस्कृत से, MA जियोग्राफी से, MA पॉलिटिकल साइंस से, यानी और भी बहुत सारे टोटल 15 सब्जेक्ट हैं साथियों MA के, जो यहाँ UPRTOU प्रयागराज यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं, जिनसे आप जो है MA में एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है साथियों, कि आप सबसे पहले UPRTOU जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसे आप ओपन करें, और ओपन करने के बाद साथियों जब UPRTOU की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका एडमिशन स्टार्ट होता है, चालू होता है, तो आप UPRTOU की ऑफिशियल वेबसाइट पर आके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके भी एडमिशन ले सकते हैं। किस प्रकार से आप एडमिशन लेंगे, सिंपली आप UPRTOU की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे साथियों, उसके बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, और नीचे आ जाने के बाद साथियों नीचे देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा अप्लाई न्यू एडमिशन सीजन 2023-24, यानी आपका जो 2023-24 का सीजन साथियों, उसमें आपका न्यू एडमिशन जो हुआ स्टार्ट है, यानी हो रहा है। तो अभी आप जो है UPRTOU की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर नया एडमिशन ले सकते हैं MA में। तो कैसे आप एडमिशन लेंगे, सिंपली देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको लिखा मिलेगा एडमिशन का, ठीक है, तो साथियों आपको इस एडमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद साथियों यह देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होके आएगा, और जब साथियों आपके सामने इस प्रकार से ओपन होके आता है, तो आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, और नीचे आ जाने के बाद साथियों यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2023-24, और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा मिलेगा अप्लाई न्यू एडमिशन सीजन 2023-24। तो आपको इस 2023 वाले 24 ऑप्शन जो आपका लिखा हुआ है अप्लाई न्यू एडमिशन, सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। इस पे साथियों आप जैसे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद यह आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2023-24 जुलाई 7, यानी जुलाई सत्र का जो आपका एडमिशन साथियों 2023-24 का, वो आपका नया एडमिशन स्टार्ट है। तो जुलाई सत्र में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं, तो न्यू एडमिशन आप MA में ले सकते हैं, ठीक है। कैसे लेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है कार्यक्रम का विवरण, तो यहाँ पर सबसे पहले आप कार्यक्रम के विवरण में सबसे पहले आप अपना क्षेत्रीय केंद्र चुनेंगे कि आपका क्षेत्रीय केंद्र कौन सा है, जो भी आपके नज़दीक में क्षेत्रीय केंद्र पड़ेगा साथियों उसी को आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपका गोरखपुर दिया है, लखनऊ दिया है, बरेली दिया, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, मीरठ, आगरा, झांसी, कानपुर, अयोध्या, आजमगढ़, तो इतना आपको यहाँ पे क्षेत्रीय केंद्र दिए गए हैं। जो भी आपके नज़दीक में पड़ता साथियों, आप सिंपली उसी को क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद साथियों आप नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद साथियों नीचे देखिए आपको एक और ऑप्शन लिखा मिलेगा अध्ययन केंद्र का नाम। इसके बाद साथियों आपके नज़दीक में जो भी अध्ययन केंद्र होता है, आप उसके बाद अपने अध्ययन केंद्र का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपके नज़दीक में पड़ता है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद साथियों यहाँ देखिए नीचे आपका आ जाएगा कोर्स का प्रकार, यानी आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ से आप कोर्स के प्रकार सेलेक्ट करेंगे, कोर्स के प्रकार में कौन कौन से दिया गया है, सबसे पहले आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम दिया गया है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम दिया गया है, फिर यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रोग्राम, यहाँ पर आपका डिप्लोमा प्रोग्राम दिया गया है, इसके नीचे आपको अवार्डनेस प्रोग्राम दिया गया है। तो चूँकि साथियों आपको MA में एडमिशन लेना है, तो MA में एडमिशन लेना है, तो यहाँ पर देखिए आपको जो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसके सामने देखिए यहाँ पर इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद साथियों आप नीचे आएंगे, और नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे आपको एक और ऑप्शन लिखा मिलेगा कार्यक्रम का विवरण। तो कार्यक्रम के विवरण में आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, आप
एम ए जो है वह हिंदी से करना चाहते हैं, एम ए इंग्लिश से करना चाहते हैं, एम ए हिस्ट्री से करना चाहते हैं, एम ए आप जो है एंशियन, देखिए यहाँ पे जो एंशियन हिस्ट्री बोल रहे थे साथियों, कुछ लोग बोल रहे थे कि एंशियन हिस्ट्री भी यूपी रेलेटिव प्रिया यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल, तो हम आपको बता दें कि एंशियन जो हिस्ट्री वह भी अवेलेबल है, एंशियन हिस्ट्री से भी आप एमए कर सकते हैं यूपी आईटीयू प्रयागराज यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे देखिए आपका अवेलेबल है, यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एमए आप सोशोलॉजी से भी कर सकते हैं, एमए आप पॉलिटिकल साइंस से कर सकते हैं, एमए साथियों आप एजुकेशन से कर सकते हैं, एमए स्टेटिक्स से कर सकते हैं, एमए संस्कृत सब्जेक्ट से भी आप कर सकते हैं, आप MLIS कर सकते हैं, एमए जियोग्राफी से कर सकते हैं, और मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप एमएससी भी से भी एडमिशन ले सकते हैं, एमएससी स्टेटिक्स से। इसके अलावा साथियों आप एमकॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो इतने यहाँ पे आपके जो यहाँ पे जो इतने आपके जो साथियों आपके इतने जो आपके कार्यक्रम के नाम है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसमें से साथियों आपको जो भी प्रोग्राम करना है, जिससे भी आपको एडमिशन लेना है, सिंपली आपको उसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद साथियों आप नीचे आ जाएंगे, और नीचे आ जाने के बाद साथियों नीचे देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कार्यक्रम वर्ष, यानी आपके कार्यक्रम का वर्ष कौन है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर दिया गया है, इसके अलावा अवेयरनेस कोर्स दिया गया, तो आपका फर्स्ट ईयर है, नया आपका एडमिशन है तो फर्स्ट ईयर होगा ही, तो आप फर्स्ट ईयर वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद साथियों यहाँ पे देखिए नीचे आप आ जाएंगे, नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखा ऐड पेपर का ऑप्शन यहाँ पे देगा, तो सिंपली आप इस पहले चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड पेपर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका प्लीज वेट लिखा हुआ आएगा, फिर आपका जो पेपर होगा साथियों वह ऐड हो जाएगा, और ऐड हो जाने के बाद जो आपका कोर्स होगा फीस, उसके नीचे आपको अपना कोर्स फीस देखने को मिलेगा, यानी 8,500 रुपये आपका है पर ईयर जो है कोर्स फीस है। यहाँ पे देखिए आपको दिया है 8,500 रुपये पर ईयर साथियों आपको इसका फीस देना है, और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वह 10+2+3 यानी बीए है, यानी आप बीए पास होने चाहिए यदि आप एमए करना चाहते हैं। और कार्यक्रम की जो प्रक्रिया साथियों वो क्या है, उस सेमेस्टर है, क्या है सेमेस्टर सिस्टम से अवेलेबल है, तो सेमेस्टर सिस्टम से आपका ये एग्ज़ाम होगा, सेमेस्टर सिस्टम से आपका ये एमए में एडमिशन होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए कार्यक्रम का जो माध्यम है SLM का यानी सेल्फ लर्निंग मटेरियल का, वो हिंदी माध्यम में अवेलेबल है। और उसके अलावा साथियों और भी नहीं, आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो आपके अनिवार्य पाठ्यक्रम होते हैं वो आपको अनिवार्य पाठ्यक्रम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से आपके अनिवार्य पाठ्यक्रम है फर्स्ट सेमेस्टर में, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक एक करके जो आपके अनिवार्य पाठ्यक्रम है, जैसे MAA 101, इसके अलावा MAAH 102, 103, इसके अलावा 104 यहाँ पे दिया गया है, ये आप सब आपके फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। 105 दिया गया है, 106 दिया गया है, 107, 108, 109, यानी जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर साथियों, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको केवल 1, 2, 3, 4, 5 ही है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 5 हैं। इसके अलावा आपका जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें भी आपके 1, 2, 3, 4, 5 हैं, तो 5 आपके जो हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में कंपलसरी पाठ्यक्रम है, और 5 आपके सेकंड सेमेस्टर में कंपलसरी पाठ्यक्रम है, ठीक है। इसके अलावा और भी आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जो आपका व्यक्तिगत विवरण होगा, इसके बाद आप अपना व्यक्तिगत विवरण भरेंगे। व्यक्तिगत विवरण में जैसे आप अपना अभ्यर्थी का नाम भरेंगे, अभ्यर्थी का जो फोटो होगा, जो सिग्नेचर होगा साथियों, इसके अलावा आपको अपलोड करना है, अभ्यर्थी का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना है, उसके माता का नाम इंग्लिश और हिंदी में, पिता का नाम इंग्लिश और हिंदी में आपको लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, आधार नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है, जनरल है, OBC है, SC है या फिर ST है, ठीक है। और इसके अलावा आपका मेल कौन सा है, आपका जेंडर अपना चुनेंगे यहाँ से आप, उसके बाद ब्लड ग्रुप आप अपना चुनेंगे, धर्म चुनेंगे, क्षेत्र चुनेंगे, राष्ट्रीयता आप चुनेंगे, मोबाइल नंबर भी अपना यहाँ पे अंकित करेंगे, उसके बाद अस्थाई पता आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अस्थाई पता के बाद आपका यदि सेम एड्रेस है तो करेस्पॉन्डिंग एड्रेस पे आप चेकबॉक्स वाले पे क्लिक कर देंगे, और यदि आपका अलग है तो उसको भी आप फिल करेंगे। इस सारे डिटेल आप फिल करने के बाद लास्ट में आपका आ जाएगा एजुकेशनल डिटेल, तो उसके बाद जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको साथियों आपको यहाँ पे फिल करना है, आपका हाई स्कूल डिटेल आपको भरना है, इंटरमीडिएट डिटेल भरना है, अंडर ग्रेजुएट वाला भरना है, पोस्ट ग्रेजुएट वाला होगा तो उसको भरना, अदर हो तो उसको भरना है। इस सारा डिटेल फिल करने के बाद साथियों लास्ट में देखिए यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, इसके बाद आप सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद इसके आगे आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन जो है पेमेंट कटाना होगा, चाहे आप UPI से अपना जो है पेमेंट कटा सकते हैं, नेट बैंकिंग से आप अपना जो है पेमेंट कटा सकते हैं, ठीक है।
बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो जिसे आपको अपना पेमेंट कटाना है उसे आप अपना ऑनलाइन फीस, जिसको हम बोलते हैं अपना फीस, 8,500 रुपये आप कटा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों आप जो है UPRTU प्रयाग यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अलावा भी साथियों यदि आपके मन में कोई डाउट कोई क्वेश्चन है साथियों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है साथियों, और यदि आप एमए ऐड करना चाहते हैं UPRTU प्रयाग यूनिवर्सिटी से, तो इस प्रकार से आप आके यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट कोई क्वेश्चन साथियों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है साथियों, नमस्कार, जय हिंद।